ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। क्या दूसरे की पूजा की थाली में से कोई भी पूजा की सामग्री महादेव को चढ़ा सकते हैं? मान लो अगर आप मंदिर में पूजा करने गए और आपकी थाली में कोई सामान नहीं है, तो कोई बात नहीं, बगल वाले की पूजा की थाली में से सामग्री उठाकर महादेव को मत चढ़ाना। जो आपके पास है पूजा की सामग्री में, उसी को महादेव पर चढ़ाना, किसी और से वस्तु मांग कर नहीं चढ़ाना। शिवपुराण की कथा यहाँ तक कहती है कि यदि बेलपत्र भी नहीं है आपके पास, तो दूसरे की थाली से लेकर महादेव को मत चढ़ाना। लेकिन यदि शिवलिंग पर कोई बेल पर चढ़ी है, तो महादेव से मांग कर धुल लीजिए और वापस महादेव जी को चढ़ा दीजिए, पर दूसरी की थाली से लेकर नहीं। शिवपुराण की कथा यहाँ तक कहती है कि आप मंदिर जा रहे हो और अगर आपकी जेब में एक रुपया भी नहीं है, तो भी किसी और से रुपया मांगकर महादेव को मत चढ़ाना, क्योंकि जब आप किसी और से मांगकर रुपया या वस्तु या फल महादेव पर चढ़ाते हो, तो वो रुपया पैसा आपका नहीं, उस व्यक्ति का रुपया महादेव पर चढ़ता है, क्योंकि आप चढ़ाओगे तो आप पर उस रुपये का फल उस व्यक्ति को मिलेगा जिससे आप रुपया मांग कर लाए हो। ऐसा क्यों? क्योंकि महादेव के सामने खड़े होकर के, शिव मंदिर में खड़े होकर के, जब हम अगर अपने पड़ोसी, रिश्तेदार, दोस्त से कुछ मांगकर भगवान पर चढ़ाएंगे, तो भगवान को कितना बुरा लगेगा कि जगत का पिता यहाँ बैठा है और संसार वालों से आप मांगकर मुझ पर वस्तु चढ़ा रहे हो। तो दोस्तों, संकट जी यही कहते हैं कि यदि आपके पास फूल नहीं है मुझे चढ़ाने के लिए, तो मुझसे ले लो। बेलपत्र नहीं है तो मुझसे ले लो। धतूरा नहीं है तो मुझसे ले लो। महादेव यहाँ तक ही कहते हैं कि मेरे ऊपर चढ़ी सामग्री को तुम वापस धोकर मुझे चढ़ा दो, पर किसी और से मांगकर मत चढ़ाना, क्योंकि मैं दूंगा तो उससे ज़्यादा ही दूंगा। बहुत लोग ये भी कहते हैं कि मैं मंदिर रोजाना जाता हूँ, पर उस फल की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि वो कहीं ना कहीं किसी और से मांगकर वस्तु चढ़ा, क्योंकि महादेव उतना नहीं देते जितना आप चाहते हो। जब वो देते हैं तो उससे डबल देते हैं, और शायद कभी कभी इतना दे देते हैं जितना आप कभी मांग भी नहीं सकते, उससे कहीं अधिक महादेव आपको दे देते हैं। नमः पार्वती पते हर हर महादेव।